भोपाल में नगर निगम की मनमानी के चलते जवाहर चौक स्थित एक कॉलोनी का आम रास्ता बंद कर दिया गया। बताया जा रहा है कि यह एक आम रास्ता था जिसको अतिक्रमण का नाम देकर नगर निगम अपनी मनमानी पर उतर आया है और आम लोगों के आने जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया है। भोपाल में नगर निगम प्रशासन के अड़ियल रवैये से आम जनता परेशान हो रही है। जहाँ अतिक्रमण होता है उस जगह पर नगर निगम प्रशासन कार्रवाई करने से कतराता है, लेकिन आम जनता की सुविधा के लिए बनाए गए रास्तों को मनमानी तरीके से बंद कर दिया जाता है। मामला भोपाल के जवाहर चौक का है, जहां नगर निगम के अधिकारियों के कहने पर आम जनता के आवागमन के रास्ते को बंद कर दिया गया। स्थानीय रहवासियों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन नगर निगम अधिकारियों के अड़ियल रवैये से वे हार गए। पहली बार देख रहे हैं कि खेत को बागड़ से डर लग रहा, नगर निगम को खाली जमीन पे अतिक्रमण करना पड़ रहा है। हासिंग बोर्ड की जमीन पे नगर निगम अतिक्रमण कर रहा, अभी तक के तो नगर निगम अतिक्रमण हटाता, ये पहली बार नगर निगम यहाँ पे अतिक्रमण कर रहा है हासिंग बोर्ड की जमीन पे और रहवासियों की रोड पे। नगर निगम का काम है कि रोड के रास्ते खुलवाना, और पहली बार हम देख रहे हैं अपने जीवन काल में कि रोड पे अतिक्रमण कर रही है नगर निगम। ये नगर निगम के द्वारा रास्ता खोल दिया जाए जिससे हमें आम पब्लिक को आने जाने में सहूलियत हो जाए। कोई रीज़न नहीं बताया है और उन वाले लड़के रहते हैं वो बुलवा के एक जोर जबरदस्ती से रास्ता बंद कराया। वहीं जब रास्ता बंद करने को लेकर लोगों ने सवाल पूछे तो उन्होंने कहा कि यहाँ अतिक्रमण न हो इसलिए आम रास्ता बंद कर दिया गया है। उन्हें अधिकारियों ने रास्ता बंद करने के लिए निर्देश दिया है। रहवासियों ने आरोप लगाया कि नगर निगम इस रास्ते को साजिश के तहत बंद कर रहा है। कारण तो कुछ नहीं बताया साहब उन्होंने, ये रास्ता ये आप देख रहे हैं ये रास्ता सालों से हमारा आम रास्ता है, सार्वजनिक रास्ता है। पीछे हमारा ऑफिस है, यहाँ सामने घर हैं, यहाँ करीब 70-80 परिवार रहते हैं। इस पीछे वाली सिर्फ एक इकलौती लाइन में, इस लाइन में 70-80 परिवार को जाने के लिए सिर्फ ये एक आम रास्ता बचा हुआ है। आगे वाला रास्ता स्मार्ट सिटी के कार्य के चलते बंद कर दिया गया है। वहाँ सब्जी मंडी लगी है तो वहाँ पर उन्होंने अपनी बैरिकेडिंग लगा दी, कोई रास्ता नहीं। ये मजबूत करने आए कि खड़े होकर मजबूत कराएंगे? कारण बता दो, रास्ता क्यों बंद हो रहा है? रास्ता क्यों बंद कर रहे हो? बता नहीं रहे, सुबह से बंद कर रहे हो, रास्ता क्यों बंद कर रहे हो? हमारा सच्ची रोड क्यों बंद कर रहे हो? मारोगे मारो ना मारो, लेकिन रास्ता क्यों बंद कर रहे हो ये तो बताओ। अच्छा मस्ती और मुझसे। कौन कहता है पनीर सीधा साधा होता है? ये ना तो सीधा है ना साधा, चटपटा है। नया मिल्क मैजिक हेल्दी क्यूब बाइट्स, स्पाइस इन्फ्यूज्ड पनीर, खाओ कभी भी कहीं भी। मिल्क मैजिक हेल्दी क्यूब बाइट्स, पनीर पे अब मस्ती चढ़ गई। एपेक्स बैंक मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, समृद्धि आपकी, योजनाएं हमारी। वाहन ऋण, आवास ऋण, व्यक्तिगत ऋण, भ्रमण ऋण, उच्च शिक्षा ऋण, व्यापारियों को साख सीमा ऋण, त्योहार ऋण, चिकित्सा ऋण परियोजना, उपभोक्ता ऋण, आभूषणों के तारण पर ऋण, अचल संपत्ति के बंधक पर ऋण, क्यों देखें महज सपने, आइए करें उनको साकार। केंद्र, राज्य शासन, शासकीय निगम, मंडल बोर्ड, समस्त सहकारी बैंकों, संस्थानों एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों के लिए उपरोक्त समस्त ऋण रियायती ब्याज दर मात्र 8% पर ऋण सुविधा उपलब्ध। वरिष्ठ नागरिकों को सावधि जमा पर 1% अधिक ब्याज सुविधा का लाभ लेने के लिए नजदीकी एपेक्स बैंक की शाखा में संपर्क करें। LNCT से आपका ब्राइट फ्यूचर बुला रहा है। फ्रॉम LNCT यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, एग्रीकल्चर साइंस, पैरामेडिकल, लॉ एंड मेनी मोर। विजिट lnctu.ac.in। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक,
झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।